अलग अंदाज, जबरदस्त अकड़, जोशीला भाषण, बोलने में बेलाग, परिचय का पता का आज भी ये बताने के लिए काफी है कि उनके नाम के बगैर मुंबई का नाम ही अधूरा रह जाएगा। बाला साहब ठाकरे, आत्मबला सेल, मराठी गौरव के प्रतीक के तौर पर खुद की छवि को गढ़ने वाले, जो कभी कार्टून बनाकर प्रभावी संदेश देते थे, लेकिन अंदाजे हनक ने सियासत में उन्हें शिव सैनिकों का भगवान बना दिया। नाम एक बार फिर से बाला साहब ठाकरे को किसी ने सियासत में सवा शेर माना तो किसी ने सांस्कृतिक आदर्शवाद के अगुआ के तौर पर स्वीकार किया, जबकि सच तो यही है कि इस चमक के आगे विरोधियों की कहानी के पहले पन्ने भी नहीं लिखे गए। महाराष्ट्र की राजनीति में बाला साहब ठाकरे उगते हुए सूरज की तरह थे। मराठी मानुष की राजनीति ने उन्हें हाथों हाथ लिया। अब वो सत्ता की शिखर पे थे, वो सरकार बना भी सकते थे और सरकार गिरा भी सकते थे। जिस बंबई को अंग्रेजों ने बसाया था, उसी मुंबई के रौनक को एक इशारे में ठाकरे सन्नाटे में तब्दील कर दिया करते थे। बढ़ते कद का अंदाजा तब किसी को नहीं था, शायद ठाकरे के पिता को भी नहीं। अपने दिल की बात को जमीन पर तुरंत उतार देने में बाल ठाकरे कभी वक्त नहीं लेते थे। चार बेटियों के बाद बाल ठाकरे का जन्म हुआ था। घर में जरूरत से ज्यादा मानदान हुआ करता था। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, स्वभाव में अड़ियलपन का स्थान पक्का होता गया। सियासत दूर की कौड़ी थी, लेकिन ठाकरे ने इसे निश्चित पायदान माना और सब कुछ तय किया। 60 के दशक में ठाकरे ने मार्मिक के नाम से अपना एक स्वतंत्र साप्ताहिक अखबार निकाला। अपने पिता के राजनीतिक दर्शन को महाराष्ट्र के लोगों में बताना शुरू किया। ये वही दशक था, साल 1966, जब शिवसेना की स्थापना हुई। इसी के बाद सामना नामक अखबार शुरू किया गया, जो वक्त वक्त पर लोगों के जुबान पर बनी रही। बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में कदम रखते हैं। 16 जून 1966 को शिवसेना की आधारशिला रखते हैं। उन्हें पता था कि महाराष्ट्र की राजनीति अगर करनी है तो उन्हें भूमिपुत्र का नारा देना होगा। यह भूमिपुत्र का नारा था महाराष्ट्र के लोगों के लिए बनाई हुई अपनी पार्टी, जो महाराष्ट्र के लोगों के लिए बात करे, जो मराठी मानुष के लिए बात करे। शुरू में सफलता मिलने में देरी तो हुई, लेकिन धीरे धीरे सफलता मिलने लगी। सत्ता की सीढ़ियों पर शिव सैनिकों के कदम चढ़ने लगे। सरकार तो देर से बनी, पर जब बनी तो बनी। वो साल था 1995 का, सरकार में साझेदार बनी थी भारतीय जनता पार्टी। यह 1989 का समय था, जब महाराष्ट्र में शिवसेना को यह लगने लगा कि अगर उसे राष्ट्रीय फलक पे छाना है तो किसी राष्ट्रीय पार्टी के साथ जुड़ना होगा, और उसने बीजेपी का दामन थामा। तब से लेकर अब तक शिवसेना बीजेपी के साथ है। ठाकरे चांदी की कुर्सी पर बैठते थे, खुलेआम धमकी देते थे, किसी से मिलने नहीं जाते थे, बियर के शौकीन थे। ये सारी बातें उनके जिंदगी की ऐसी बातें हैं जिसमें उनके स्वभाव का अंश दिखता है। मुंबई में एक वक्त में दाऊद की तूती बोलती थी। चारों तरफ दाऊद के डर से लोग थर थर कांपते थे, लेकिन ठाकरे ने दाऊद के चूल्हे हिला दी। ये समय और सियासत दोनों के हिसाब से ठाकरे के पक्ष में था। दाऊद को मुंबई छोड़कर जाना पड़ा था। मुंबई की राजनीति में बाला साहब ठाकरे उस धूरी की तरह जम चुके थे, जो महाराष्ट्र से किसी को भी उखाड़ कर फेंक सकते थे। और यह भी माना जाता है कि दाऊद को मुंबई से उखाड़ने के पीछे बाला साहब ठाकरे का भी हाथ था। हिंदुत्व की सियासत को ठाकरे की राजनीति ने काफी मजबूत कर दिया। मुसलमानों के खिलाफ खुलकर बोलने की हिम्मत ने ठाकरे को और भी मजबूत किया। मुंबई से बाहर भी इस बात का संदेश जाने लगा कि एक कार्टूनिस्ट ने पहले नौकरी छोड़ी, फिर एक लीक पर राजनीति की पगडंडी को नाप रहा है। ठाकरे का कद अब बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा था। 80 के दशक में बहुत कुछ बदला। महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल चरम पर था। ठाकरे खुलकर बोल रहे थे। अपने भाषणों में दिल की बात को जुबान पर लाने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। अपने भाषणों में लिट्टे और हिटलर जैसे शब्दों का खूब इस्तेमाल करते थे। इसी के चलते साल 1969 में उन्हें जेल जाना पड़ गया। इसके बाद दंगे भड़क गए।
महाराष्ट्र पूरी तरीके से जल रहा था, दर्जनों लोगों की मौत के बाद हिंसा की आग पर पानी डाला गया। ये उनकी पहली और आखिरी गिरफ्तारी थी। इसके बाद ना तो वो कभी गिरफ्तार हुए और ना ही पुलिस कभी उन्हें गिरफ्तार करने की जरूरत उठाई। ये बाला ठाकरे के कद को दर्शाने के लिए काफी है कि सियासत में इतने उतार और चढ़ाव के बाद भी पुलिस उन्हें हाथ नहीं लगा पाई। ठाकरे की सियासत अब तक एक अलग रास्ता अख्तियार कर चुका था। 90 के दशक में कश्मीर के मुद्दे को अपनी सियासत में शामिल कर लिया। जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से पंडितों का पलायन कराया जा रहा था। दूसरी ओर अमरनाथ यात्रा चल रही थी। आतंक के झंडा बरदारों ने बंद करने की धमकी दी, यात्रा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ठाकरे ने साफ साफ कहा, मक्का मदीना जाने वालों को मुंबई से जाने नहीं दिया जाएगा। अगले 24 घंटे में अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई। एक तरफ बयानों से बवाल और दूसरी तरफ बवालों से उपजे मुद्दों पर बयान, इसी के नीचे ठाकरे की राजनीति बढ़ती चली जा रही थी। 1999 में ठाकरे पर 6 साल तक वोट डालने और चुनाव लड़ने पर बैन लगाया गया। ये अलग बात है कि ठाकरे ने जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ा। वो अड़ियल किस्म के थे। एक बार क्रिकेट के पिच को खुदवा दिया था। किसी बात से वो नाराज हो गए थे। नाराजगी इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने वानखेड़े स्टेडियम को ही खुदवा दिया। बाल ठाकरे जब कभी भी किसी का विरोध करते थे तो दुश्मनों की तरह, और जब तारीफ करते थे तो ऐसे कि जैसे उनसे बड़ा कोई मित्र नहीं। ये उनका अपना अंदाज था। ठाकरे ना तो सीएम थे, ना ही पीएम, डीएम भी नहीं थे, लेकिन रुतबा कभी कम नहीं हुआ। हर साल दशहरे के दिन ठाकरे मुंबई के शिवाजी पार्क में अपने समर्थकों को संबोधित करते थे। दशहरे पर भाषण देने की शुरुआत 60 के दशक में ही हुई, जो अब ठाकरे की दुनिया में नहीं होने पर भी जारी है। अब यह काम उनके बेटे करते हैं। बाला साहब ठाकरे नहीं रहे, लेकिन उनकी राजनीतिक विरासत अभी भी कायम है। शिवसेना महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े ही दमखम के साथ खड़ी, चाहे राज्यसभा में हो, लोकसभा में हो या विधान परिषद में। बीजेपी के साथ शिवसेना तो खड़ी है, लेकिन बदस्तूर दोनों एक दूसरे के साथ जंग भी लड़ रहे हैं। ये जंग सियासत जमीनी है, जिसमें अधिकार एक और शिवसेना तो महाराष्ट्र के लोगों के लिए मांगती है, तो वहीं बीजेपी की सियासत पूरे देश की है। राजनीति की नाव में स्वार्थ के चंपू से हर कोई किनारा लगना चाहता था। 2005 में आपस में फूट पड़ी। उद्धव को ज्यादा तरजीह देने से भतीजे राज ठाकरे नाराज हो गए, नई पार्टी बना ली। पार्टी भले ही अलग बनी, लेकिन सियासी मिजाज एक ही था। भारत के लगभग सारे सेलिब्रिटी ठाकरे के करीबी रहे, वो चाहे सचिन तेंदुलकर हो या लता मंगेशकर। एक बार सचिन से ठाकरे काफी नाराज हो गए। सचिन ने कह दिया था, मुंबई तो सबके लिए है। खैर, बाल ठाकरे की ठसक आखिरी दिनों तक कम नहीं हुई। मरने से कुछ दिन पहले ही बयान दिया था, आर्मी को मेरे हवाले कर दो, देश को ठीक कर दूंगा। उनके निधन पर मुंबई ठहर गया था। मरने के बाद उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। मुंबई बंद कर दिया गया था। बाला साहब अमर रहे के नारे के साथ 5 लाख लोग अंतिम संस्कार में गए थे। बाल ठाकरे तो चले गए, लेकिन उनकी ठसक और सियासी रेखाएं आज भी मुंबई में दिख जाती है। ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। और आप अगर किसी शख्सियत के मुरीद हैं और उनके ऊपर रिपोर्ट देखना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।